दोस्तों आज है संडे और मैं फिर से आ चुका हूँ संडे की वाली वीडियो लेकर के। इस बार का जो क्वेश्चन मैंने पिक करा वो पिक करा मैंने इंस्टाग्राम से, जो कि मैंने स्टोरी लगाई थी और यूट्यूब पर भी मैंने बताया था कि इस बार के क्वेश्चन इंस्टाग्राम से पिक करने वाला हूँ। तो अगर आपने भी क्वेश्चन किया होगा तो आपका भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं भी किया होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कुछ लोगों ने किए हुए हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देखोगे तो बहुत सारे डाउट, आपके नए नए डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, नई नई चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं शिव सागर टिप्सी की तरफ से। इन्होंने कहा हुआ है, भाई आप सबका रिप्लाई देते हो, मैं बहुत दिन से क्यों पूछ रहा हूं कि रोज वीडियो अपलोड करना जरूरी है का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रोज ही वीडियो अपलोड करना चाहिए। आपका एक वो होना चाहिए, आपका एक टाइम होना चाहिए, आपकी एक रेगुलरिटी होना चाहिए कि अगर आप दो दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हो तो दो दिन में एक ही करना है, या फिर अगर हफ्ता में आप दो वीडियो अपलोड करते हो तो आपको हफ्ते में दो ही वीडियो अपलोड करना है, या फिर पर डे एक करते हो तो पर डे एक ही करना है। बाकी कोई जरूरी नहीं होता कि आप पर डे का एक वीडियो अपलोड करो या फिर पर डे का दो ही वीडियो अपलोड करो, कोई ये नियम नहीं होता। जो आपका मन चले उस तरीके से आप यहाँ पर रेगुलर हो सकते हैं। इट्स रजोरिया 01 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है कि कितनी पेमेंट मिलती है यूट्यूब से। तो देखो ये तो कभी परफेक्ट नहीं होता, अगर आपका ज़्यादा व्यूज आता है तो ज़्यादा पेमेंट आती है, कम व्यूज आता है तो कम पेमेंट आती है, तो ये आपका व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर शिवम HK16 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, भाई कम्युनिटी टैब अभी तक ऑन नहीं हुआ, 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो देखो ये जो मैंने खुद आपको अपडेट बताया था कि ये जो आपका कम्युनिटी पोस्ट 1000 से कम वालों को मिलने वाला है, यानी कि जिसका 500 सब्सक्राइबर है उसको भी मिलने वाला, तो वो आपका 12 अक्टूबर से कहा गया था, तो अभी तक आपका 12 अक्टूबर नहीं आया है, तो वेट करिए 12 अक्टूबर के बाद आप सबको मिल जाएगा जिसका 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर होगा। नेक्स्ट टेक RJ04 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, वीके भैया एक एडसेंस अकाउंट दो यूट्यूब चैनल में अप्लाई कर सकते हैं का? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपका एक एडसेंस अकाउंट है तो जब आप अपना कोई भी चैनल मोनेटाइज करते हो ना तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको ऐसा कोई एडसेंस लिंक करना जो कि पहले से बना हुआ है या फिर नया बनाना चाहते हो, तो अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप बिल्कुल लिंक कर सकते हो, मतलब एक एडसेंस में आप दो दो यूट्यूब चैनल की पेमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हाशमी से 786 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, भाई मेरा क्वेश्चन है कि एडसेंस अकाउंट चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही बनाना चाहिए क्या कंपलसरी? ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो मोनेटाइजेशन के बाद ही बनाए, आप चाहें तो पहले भी अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका कुछ वेबसाइट वगैरह या फिर आप ब्लॉग वगैरह करते हो तो आप पहले भी बना सकते हो, या फिर अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप तभी बनाओ जब आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने पहले बना लिया तो आप उसको बाद में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हो, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सेम नाम और सेम एड्रेस से सिर्फ एक ही बार एडसेंस बन सकता है, दो बार नहीं बन सकता है। तो अगर आपने पहले से बना रखा होगा तो जब भी आप अपना चैनल मोनेटाइज करवाएंगे तो आपको वही पुराना वाला एडसेंस लिंक करना होगा जो आपने पहले बना रखा था, ठीक है? अगर नहीं बनाया तो आप नया खुद का क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशिक रजा फैजी, मुझे नाम नहीं आ रहा, देख सकते हो। तो इनका क्वेश्चन है, भाई क्या किसी का सॉन्ग या म्यूजिक यूज करने से रियूज कॉन्टेंट आता है क्या? बिल्कुल आता है, लेकिन देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आप अगर इस तरीके से सॉन्ग यूज कर रहे हो कि आपने किसी का सॉन्ग यूज कर लिया और उस पर आप डांस वगैरह कर रहे हो या फिर स्टोरी वीडियो बना रहे हो, तो इस पर 50-50 होता है, 50% आपका कंटेंट होता है, 50% दूसरे का सॉन्ग होता है, तो उस केसेस में सिर्फ आपको कॉपीराइट क्लेम आता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है? लेकिन अर्निंग आपको नहीं मिलती, उस कॉपीराइट ओनर को चली जाती है। लेकिन अगर आप किसी का सिर्फ सॉन्ग यूज कर लेते हो, मिक्सिंग वगैरह करते हो या फिर ऐसे ही कोई सॉन्ग डाल देते हो तो आपका कॉपीराइट क्लेम तो आपको आ ही जाता है, या फिर मिक्सिंग वगैरह कर दोगे तो कॉपीराइट क्लेम अगर नहीं भी आएगा लेकिन रियूज कंटेंट जरूर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको सॉन्ग वगैरह किसी का यूज नहीं करना, वरना कोई मतलब नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब भी अप्लाई करोगे रियूज कंटेंट आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर DKumar666 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, भाई क्या हर दूसरे की वीडियो को अपने चैनल पर वॉइस चेंज करके डाल सकते हैं क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हो, लेकिन उसकी परमिशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का कंटेंट यूज करते हो, किसी के वीडियोज वगैरह यूज करते हो, भले ही आप उसमें अपनी वॉइस ओवर करो, तो सामने वाले के पास अधिकार होता है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, लेकिन अगर आपने उससे परमिशन ले रखी होगी तो हो सकता है आपको ना दे, ठीक है? तो अगर किसी का आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको 100% यूज नहीं करना होगा, थोड़ा बहुत आप बीच बीच में यूज कर सकते हो। अगर आप पूरा का पूरा यूज करोगे तो फिर उसमें यूट्यूब जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका यूज कंटेंट आ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर धनेश कुमार की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, दो दिन हो गया यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ,
सेकेंड थोड़ी थर्ड स्टेप रुका हुआ है। तो देखो ये चीज़ आपका डिपेंड करता है आपके चैनल के हिसाब से कि किस हिसाब का आपका चैनल है। किसी किसी का एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी को दो दिन लगता है, किसी किसी को पाँच दिन लगता है, किसी किसी को पूरा महीना भी लग जाता है। तो आप वेट करिए, अगर आपका तीन दिन हो गया है और आपके चैनल पर सारा कुछ ठीक ठाक है तो वेट करिए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रवि ठाकुर 01 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, हेलो विनोद भाई, आप अपनी फोटो कौन से ऐप से एडिट करते हो? मैं जो अपनी फोटो एडिट करता हूँ नॉर्मल एप्लीकेशन लाइट रूम से एडिट करता हूँ, ज़्यादा कुछ करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया, बस हो गया, इतने में एडिट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाजी चौधरी की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, 1K सब्सक्राइबर होने के बाद भी कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं खुला है। तो शायद भाई के कहने का मतलब है कम्युनिटी पोस्ट। तो देखो अगर आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया है फिर भी आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिला, ओपन नहीं हुआ है, इनेबल नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो बता दूं कि आपको पहले 7 दिन का वेट करना होगा। मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब इस चीज़ को देखता है कि आखिर आपके चैनल पर वो 1000 सब्सक्राइबर बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए। जैसे आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर गुजरे हुए 7 दिन हो जाते हैं उसके बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आप अगर 7 दिन नहीं हुआ तो वेट करिए, फिर भी अगर आपका 7 दिन हो गया फिर भी अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन नहीं मिला, कम्युनिटी टैब इनेबल नहीं हुआ, तो आप यूट्यूब को फीडबैक भेज सकते हो, तो वो लोग चेक करेंगे कि आखिर आपके चैनल पर सारा कुछ ठीक ठाक होगा तो आपको दे देंगे। नेक्स्ट है सुमित कुशवाहा की तरफ से, भाई का क्वेश्चन है, कभी वीडियो एडिटिंग के लिए खाना छोड़ा है? मैंने छोड़ा, मतलब भाई के कहने का मतलब है कि कभी वीडियो को एडिट करने की वजह से कि आपने कभी अपना खाना छोड़ा? तो ऐसा मतलब कि होता नहीं है, लेकिन जैसे कभी कुछ अपडेट वगैरह आ गया तो जैसे अपडेट सवेरे आता है तो सवेरे अगर वीडियो बनाना होगा तो थोड़ा सा खाना खाने में लेट हो जाता है। मतलब कि अपडेट पहले मैं अगर अपडेट आ गया तो उसको पहले मैं एडिट करके डालता हूँ, उसके बाद ही खाना खाता हूँ। लेकिन ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि बीच में ही छोड़ना पड़ा, अगर काम है तो थोड़ा सा रुक के खाना पड़ता है, नहीं काम हुआ तो कोई बात नहीं, नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है उमेश टेक ऑफिशियल की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, क्या हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब फॉर सब करना चाहिए? प्लीज़ स्पीक माई क्वेश्चन। देखो ये आपको भूल के भी नहीं करना, क्योंकि होता क्या कि सब फॉर सब करने से आपके सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप अपना वीडियो अपलोड करोगे तो एक्चुअली में उन्होंने आपको सब्सक्राइब करा हुआ है, तो वीडियो तो उनके पास पहुंचेगा, और उनके पास वीडियो पहुंचा इसका मतलब आपका इंप्रेशन हो गया, और YouTube ने इंप्रेशन भेज दिया और उन्होंने वहां पर क्लिक नहीं किया क्योंकि उनको तो पता कि सब फॉर सबसे किया है, तो वो वहां पर क्लिक करके वीडियोस नहीं देखते हैं। इस वजह से जो आपका क्लिक थ्रू रेट होता है, यानी कि जो यूट्यूब वीडियो का आपके वीडियो का CTR होता है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और आपको पता कि अगर किसी वीडियोज़ को यूट्यूब किसी के पास भेजता है और उस पर कुछ लोग एक्टिविटी नहीं करते, उसको नहीं देखते हैं, तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर यूट्यूब उस वीडियोज़ को ऊपर ना करके नीचे की तरफ दबा देता है। इसलिए आपको सब और सब भूल के भी नहीं करना चाहिए, वरना फिर आपका ही नुकसान होगा, आपके वीडियोज पर व्यूज नहीं आएंगे, फिर यही कहोगे कि सब्सक्राइबर इतना ज्यादा है, व्यूज बहुत ही कम आता है, ऐसा इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्येंद्र कदान की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, भाई आप एडिटिंग किस ऐप से करते हो? तो मैं एडिटिंग के लिए काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज करता हूँ, और मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आप एक अच्छा काइनमास्टर से वीडियो एडिट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के देख सकते हो, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल 148 की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, भाई मेरा स्टेटस का चैनल है तो मैं उसी चैनल पर लॉन्ग वीडियो डालूं तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, यानी कि जो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता ना, वो आपका स्टेटस की वजह से नहीं कंप्लीट होना चाहिए, बल्कि आप जो लॉन्ग वीडियो डालोगे उनकी वजह से आपका वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तो सक्सेसफुली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट है वीरेंद्र नप्रिया की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, अनलिस्टेड वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा क्या मोनेटाइजेशन के लिए? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब आप अपना यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन होता है ना, वहां पर आप देखोगे सिर्फ आपको वही वॉच टाइम वहां पर दिखाया जाता है जो आपका पब्लिक होती है वीडियोस, ठीक है, वहां पर लिखा होता है पब्लिक वॉच आवर्स टाइम, ठीक है, मतलब आपका जो वीडियो पब्लिक होता है सिर्फ उसी का वॉच टाइम दिया जाता है। आपका कोई वीडियो प्राइवेट है, आपका कोई वीडियो अनलिस्टेड है, तो उनका बिल्कुल भी आपको वॉच टाइम नहीं जुड़ने वाला, और सिर्फ आपके पब्लिक वीडियोस का वॉच टाइम ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश गैंगवार की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, ब्रो आपके इंस्टाग्राम से पैसे आते हैं या नहीं? प्लीज रिप्लाई मी।
तो देखो इंस्टाग्राम पर आपको पैसा तब मिलता है, यूट्यूब की तरह नहीं मिलता कि आपका जैसे यूट्यूब में व्यूज आने लगता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो चाहे जितना व्यूज ऐड आएंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा आपका इंस्टाग्राम पर नहीं होता, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐड वगैरह नहीं आती है। इंस्टाग्राम पर आपको तब पैसा मिलता है जब आपकी थोड़ी सी ऑडियंस हो जाती है, कुछ फॉलोअर हो जाते हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख ऐसा कुछ हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ कंपनियों के जो ब्रांड आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और अपने जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसका आपसे स्पॉन्सर करवाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्पॉन्सर का पैसा मिलता है, ना कि आपको यूट्यूब की तरह मोनेटाइजेशन का पैसा मिलता है। तो अभी मेरे ज्यादा फॉलोअर तो है नहीं है, तो अभी मुझे इंस्टाग्राम से बिल्कुल भी कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो अनबॉक्सिंग की तरफ से, इनका क्वेश्चन है यूट्यूब वीडियो में कौन सा टैग कितना रन कर रहा है, ये कैसे चेक करें, फुल ट्यूटोरियल वीडियो प्लीज। तो देखो इसके बारे में फुल वीडियो तो मैं बना दूंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हो। एक एप्लीकेशन होता है ट्यूबबडी, जो कि आप में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो जब भी आप अपना कोई वीडियो डालो तो उसको आप वहां पर देख सकते हो कि जो जो आपने टैग लगाए हुए ना, तो उनमें से कौन सा टैग किस नंबर पर रैंक कर रहा है, ये चीज आपको ट्यूबबडी एप्लीकेशन आपका बता देता, तो वहां से जाकर के आप ये सारी चीज चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है बीके टेक ट्यूब की तरफ से, इनका क्वेश्चन है भाई आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन से ऐप से करते हो। तो देखो मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करता हूँ वो मेरे मोबाइल का जो नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर होता ना उसी से यूज करता हूँ, इसलिए आप देखोगे कि जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर होता उस पर कहीं भी कोई वाटरमार्क नहीं उसका दिखाई देता, क्योंकि नॉर्मल मोबाइल का ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होता वहीं से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। नेक्स्ट है मोटिवेशनल टिप्स की तरफ से, इनका क्वेश्चन है ब्रो मोटिवेशन के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे पता करें, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो मोटिवेशन के लिए बताऊँ तो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको कहीं से पता नहीं चलेगा, बल्कि आपको खुद से दिमाग लगाना कि आखिर अभी आपका कौन सी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, यानी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, उसी को रिलेट करते हुए अगर आप वीडियो बनाओगे, जैसे कि अभी सहदेव जो वायरल हुआ था ना, जैसे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना वो सॉन्ग वाला, तो अगर कुछ इस तरीके से आप अपने जो मोटिवेशन दे रहे हो ना, कुछ ऐसी स्टोरी को ऐड करते हुए रिलेट करवाते हुए स्टोरी बनाओगे ना, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा ही मतलब रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, तो कोरोना से कुछ चीज़ें लेकर के अगर आप मोटिवेट करने की कोशिश करते तो लोग ज़्यादा मोटिवेट हो जाते, क्योंकि जो पास में चल रहा होता ना, जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही होती है ना, उसको लोग जल्द ही मतलब बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं और व्यूज भी आने के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो ऐसा आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिल सकता, बाकी आपको कहीं से न्यूज या फिर ऐसा कुछ नहीं मोटिवेशन का मिलता, सिर्फ आपको खुद से सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। उसके बाद है टेक्नो सार्थक की तरफ से, इनका क्वेश्चन है भाई कैमरा को कैसे फेस करें। देखो कैमरा फेस करने में शुरुआत में सबको दिक्कत होती है, कैमरा के सामने बोलने में सबको प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा कि आप अगर कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हो तो आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या क्या आपको फॉलो करना होगा जिससे आप कैमरा के सामने बेझिझक होकर बोल सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर के फुल ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, फुल वीडियो आप देख सकते हो। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में कुछ इतने क्वेश्चन थे, अगर आपका क्वेश्चन रह गया तो अगली बार आप जरूर करना, अगली बार आपका जरूर पिक करूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।